तीन मूर्ति भवन का ये वही कमरा है जहां पंडित नेहरू का निधन हुआ था। कहा जाता है इस निधन के बाद कांग्रेस में अजीब सी स्थितियां शुरू हो गई। सत्ता के दौर में आखिर सत्ता किसे संभाल गया और उसके बाद कांग्रेस की ये विरासत आज आप देख रहे हैं। शास्त्री जी, पंडित नेहरू के बाद जो कांग्रेस की विरासत देखने को मिल रही है कि लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, उसके बाद सोनिया, राहुल का दौर, आपको क्या लगता है कि पंडित नेहरू की जो विरासत थी, जो लीगेसी थी, क्या उसको कामयाब रहे ये लोग? देखिए, पंडित नेहरू की विरासत को आगे ले जाने का जहाँ तक प्रश्न है तो देखिए वो स्तर तो राजनीति का अब नहीं है जो कि आज़ादी के वक्त में था। और पंडित नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल या गांधी या वो लोग जब उसमें थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वगैरह वगैरह, लेकिन मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान इस मामले में थोड़ा सा भाग्यशाली कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी आई तो उससे बहुत सारी गलतियां हुई होंगी, बट फिर भी एक अच्छे नेता के रूप में देश और विदेश दोनों जगह पर उन्होंने अपनी अच्छी धाक जमाई। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री एक ईमानदार राजनीति करने का जो एग्जाम्पल है वो उन्होंने एस्टेब्लिश किया, इसमें कोई शक नहीं है, कोई कुछ भी कहे, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री की इंटीग्रिटी जो है वो किसी भी हिंदुस्तान के नेता के मुकाबले ज़्यादा ऊंची रखी जाएगी। उसके बाद मुझे लग रहा है कि जो राजीव गांधी आए, राजीव गांधी एक शायद राजनीतिक गतिविधियां जो है इस लेवल पे चली गई थी कि पारिवारिक लीगेसी के आधार पर वो प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन देखिए वो वक्त दूसरा था, इमोशनल वक्त था और उस मौके पर जो है राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया गया। लेकिन ये बात तय है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद राजीव गांधी ने एक ईमानदार प्रयास तो किए थे और मेरा ये मानना है कि आज हिंदुस्तान के बारे में एनडीए सरकार या नरेंद्र मोदी कुछ भी कहें, लेकिन कंप्यूटर का और टेलीकम्युनिकेशन का जो दौर है जिसने आज जो है ये पेस हमारे डेवलपमेंट को दी है वो उसकी देन तो राजीव गांधी की ही थी। खैर, मैं थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करूँगा कि इंदिरा गांधी, पंडित नेहरू का एक दौर था विदेश नीति को लेकर, इंदिरा गांधी का दौर था विदेश नीति को लेकर, अब नरेंद्र मोदी जी का दौर है, तो क्या आप इसको कंपेयर करके कुछ देख सकते हैं? हालांकि ज़्यादा दिन हुए नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टॉर्च अगर आप देना चाहें इस पर। बिल्कुल, देखिए ये एक कंपेरिजन बड़ा इंटरेस्टिंग कंपेरिजन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी बहुत बड़े वर्ल्ड लीडर्स में आते हैं हिंदुस्तान के, उसके बाद इंदिरा गांधी ने भी इंटरनेशनल लेवल पर अपनी एक अच्छी पहचान बनाई थी, बट मैं ये कह रहा हूँ कि उस दौर की राजनीतिक और डिप्लोमेटिक जो एफर्ट्स थे उसके मुकाबले मुझे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी ज़्यादा शार्प और कंसंट्रेट एफर्ट्स करते हैं और उसका इम्पैक्ट उनके मुकाबले मुझे लगता है कि ज़्यादा है। और नरेंद्र मोदी जिस पेस से और जिस इंटेंस एफर्ट्स के साथ में काम करते हैं वो शायद पंडित नेहरू के पास भी नहीं था, तो इस मामले में मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी शायद बहुत डिप्लोमेटिकली बहुत सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, भविष्य बताएगा। चलिए शास्त्री जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको थे देवेंद्र शास्त्री जी, जो हम लोग चर्चा करते थे पंडित नेहरू के उतार चढ़ाव को लेकर, उनकी नीतियों को लेकर। आज इस बातचीत में फिलहाल इतना ही, अगले दिन हम फिर हाजिर होंगे किसी नए बातचीत के साथ और किसी नए मेहमान के साथ। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार।